नमस्कार, समस्तीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम, समस्तीपुर आए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया तथा इस अभिनंदन समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल पर सवार रोड शो में सम्राट चौधरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे तथा अब की बार नरेंद्र मोदी की सरकार कहते हुए कर्पूरी सभागार पहुंचे। उप मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को बदलना है, बाली माफिया, जमीन माफिया समेत किसी माफिया को नहीं रहने दिया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धि को बताते हुए केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया तथा पूर्व की एनडीए सरकार ने 7.5 लाख नौकरी दी। विपक्षी नेताओं पर भी हमला बोला। अंत में 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों से समर्थन मांगते हुए कहा कि सूबे की 40 की 40 सीटों पर एनडीए को जिताकर मोदी के 400 से अधिक सीटों के सपनों को साकार करें। हम बिहार की जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमारा खून भी चला जाए। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर, विधायक राजेश सिंह, राम सुमरन सिंह समेत दर्जनों नेता उपस्थित रहे। बीआरजे टीवी से समस्तीपुर संवाददाता बद्रुजमान सारी। अब की बार 400 के पार, अब फिर एक बार मोदी सरकार। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्हीं के रैली में जा रहे हैं। उन्हीं के रैली में जा रहे हैं। अच्छा, ताकि 400 पार का नारा इस बार पार हो जाएगा। मोदी जी का अरमान 400 है, लेकिन जनता भारत का 450 पूरा है। 450 इस बार पूरा कर रही है। अच्छा, इस बार इंदिरा गांधी एक बार विजय हुए थे तो 416 सीट आया था। इस बार वो पृथक को तोड़ के मोदी पूरा विश्व में झंडा गाड़ देंगे और भारत में तो गाड़ेंगे। जी, धन्यवाद धन्यवाद।